कोरोना की दूसरी लहर में अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी और शहरों के साथ ही गांव में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे प्रदेश की जनता से संवाद कर उन्हें कोरोना की भयानक स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदेशवासियों से किल कोरोना अभियान 2 में सहयोग भी मांगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन सुबह शाम पूरे प्रदेश के कोरोना हालातों पर समीक्षा बैठक करते हुए संक्रमण रोकने और मरीजों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से इस अभियान में प्राणपण से जुटने का आह्वान भी किया। इस अभियान के अंतर्गत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य कर्मियों को घर घर जाकर सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मरीजों की पहचान कर उनकी जांच करने और तुरंत निशुल्क दवा देने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव यानी कि टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत अमल में लाए जिससे कि शुरुआती इलाज से ही मृत्यु दर को कम किया जा सके। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को हम नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। लगातार पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा रही है जो एक सुखद संकेत है, लेकिन मैं जनता और विशेषकर ग्रामीण बहनों और भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, किल कोरोना अभियान गांव-गांव में चल रहा है। इलाज के लिए कई योजनाएं हमारी हैं, अब तो निशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसका नतीजा ये रहा कि एक तरफ जहां पॉजिटिविटी रेट घटकर काफी नीचे आ गया है तो वहीं रिकवरी रेट में भी अब अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। होम आइसोलेट मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट किए गए और जल्द ही रिपोर्ट देने की कोशिश भी हुई। इसके अलावा जन सहयोग से कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया गया जिससे शहरी क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल हुई। जिस वक्त तमाम राज्य कोरोना संकट से जूझ रहे थे उसी समय मध्य प्रदेश ने चंद दिनों में ही इस संकट को काफी हद तक कम कर दिया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए इसको MP मॉडल नाम दिया और इस पूरी कवायद से जुड़ी फाइल अपने दफ्तर मंगवाई ताकि उसी तर्ज पर अन्य राज्य भी कोरोना से निपटने की कोशिश शुरू करें। तो वहीं इस सफलता पर सीएम ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की पूरी टीम को बधाई दी है। निश्चित तौर पर दूसरी लहर में मध्य प्रदेश पर भी संकट के घने बादल छाए थे, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संकट के ये बादल जल्द छट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज़।